असम में रोहिंग्या शरणार्थियों की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एनआईए की टीम ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 रोहिंग्या युवतियों को भी उनके चंगुल से छुड़ाया है। इनमें से कछार के काटीगोड़ा से 4, मेघालय से 1 और बंगलुरु से 1 को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह का सरगना बंगलुरु का कुमकुम अहमद चौधरी नामक शख्स बताया गया है। यह गिरोह भारत बांग्लादेश सीमा से कछार पहुंचकर देश के विभिन्न हिस्सों में इन रोहिंग्या शरणार्थियों की तस्करी कर रहा था। काटीगोड़ा में एनआईए की टीम ने शाह आलम लश्कर, जमालुद्दीन चौधरी, बापन अहमद चौधरी और आहिया अहमद चौधरी नामक 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। विभिन्न फर्जी दस्तावेजों के जरिए इन शरणार्थियों को देश के विभिन्न प्रांतों में भेजा जा रहा था। तो एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रोहिंग्या शरणार्थियों की तस्करी हो रही है और इस तस्करी को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश भी हुआ है। एनआईए की टीम ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है और साथ ही 2 रोहिंग्या युवतियों को भी उनके चंगुल से छुड़ाया है। और इनमें से आपको बता दें कि कछार के काटीगोड़ा से 4, मेघालय से 1 और बंगलुरु से 1 को गिरफ्तार किया गया है। कुल 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि इस गिरोह का सरगना बंगलुरु का कुमकुम अहमद चौधरी नामक शख्स है, जो भारत बांग्लादेश सीमा से कछार पहुंचकर देश के विभिन्न हिस्सों में इन रोहिंग्या शरणार्थियों की तस्करी कर रहा था। यह पूरा कारोबार चला रहा था। और काटीगोड़ा में एनआईए की टीम ने शाह आलम लश्कर, जमालुद्दीन चौधरी, बापन अहमद चौधरी और आहिया अहमद चौधरी नामक 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ঠিকই আছে এনআইএ এটা কেস রেজিস্টার আছে কি হিউম্যান ট্রাফিকিং হয়ে আছে ফ্রম একস দ্য বর্ডার অনওয়ার্ডস টু ভেরিয়াস পার্টস অফ দ্য কান্ট্রি। তো সেইটো লৈ পেলাই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি পেলাই যেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যন পাই গ'ল, তেতিয়া ইন আ কলাবৰেটিভ এফৰ্ট 4টা মানুহ কাটিগোড়াৰ পৰা আৰু এটা মানুহ মেঘালয়ৰ পৰা, এটা মানুহ বেংগালোৰৰ পৰা, যি মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছে সি বেংগালোৰ থাকি আছে, তাৰ পৰা এৰেষ্ট কৰি পেলাই লৈ গৈছে। আৰু 2টা ছোৱালী ৰিকভাৰ হৈছে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা, ৰোহিংগীয়া ছোৱালী। চ' দেট ইজ ইট। আমাৰ ইয়াৰ পৰা যি যি মানুহ এৰেষ্ট হৈছে, সি আছে বাপন আহমদ চৌধুৰী, আহিয়া আহমদ চৌধুৰী, শাহ আলম লস্কৰ, জমালুদ্দিন চৌধুৰী, এই সব কাটিগোড়া থানাকে নিবাসী হে। যো বেংগালোৰ এৰেষ্ট হোৱা হে বেচিকলি তো কুমকুম আহমদ চৌধুৰী হেছকা নাম। तो वो बेंगलोर में रहता है आजकल और वहाँ से ये सब रैकेटिंग रैकेट का कंट्रोल करता है। वो वहाँ से इंफॉर्मेशन देता है, ये यहाँ से कंटैक्ट करता है एंड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, जैसे कि लोग मिजोरम में एंटर करते हैं, वहाँ से इन लोगों को ले जाता है ल्योर करके अंडर वेरियस प्रोटेक्ट एंड टेक देम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और फेक डॉक्यूमेंट्स शायद बनाते हैं। ऑफकोर्स ऑफकोर्स। क्या क्या बनाते हैं? फेक डॉक्यूमेंट्स जो रिकवर हुए हैं, एक्चुअली द प्रोसेस इज स्टिल ऑन गोइंग। इसमें कुछ और लीड्स भी हैं जिनको फॉलो किया जाएगा। सो एक्चुअली द ऑपरेशनल डिटेल्स एट दिस स्टेज कैन नॉट बी शेयर्ड।